शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं CBI, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को SSC CGL में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए SSC मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार SSC मेकर पे। सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम। कैसे हो आप सब, एक बार जल्दी से बताओ कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब एक बार फटाफट से बता दो, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से बताओ, हर हर महादेव भाई, गुड आफ्टरनून, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुकेश प्रजापति, रीमा, शैलेंद्र, रीनी, अमित शुक्ला, शरीफ, मयूरी, शैलेंद्र, एंजल इज बैक, मिशन SSC, अंजना ठाकुर, इंडियन गेमर, चांदनी, रीनी, मधु, शरीफ, भारती नायक, चलिए बहुत बढ़िया, मधु बराला, शाबाश, शैलेंद्र, अरविंद प्रजापति, कुकु जी, संगीता, पंकज, शैलेंद्र, दुर्गेश, आराध्या UPSC लवर, प्रिया प्रजापति, आराजिला। चलिए सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्यारे बच्चे को नहीं होगी, है ना। पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। पढ़ाई प्यारे बच्चों अच्छे से करने लग जाओ, अगर नहीं करते हो तो ध्यान देना, इस दुनिया में एक ही चीज़ की, अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे हो तो कामयाब हो जाओ, बिना कामयाबी के आपकी जीरो वैल्यू। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जीरो वैल्यू भाई। आपसे बड़ा हूँ तो आपको गलत सलाह तो दूंगा नहीं, ठीक, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप कामयाब नहीं हो ना, नाकामयाब इंसान की कोई पूछ नहीं है भाई इस दुनिया में, ध्यान रखना ये बात, ठीक। ये चीज़ें बाद में बिना बात के पछताना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा, इसलिए अभी समय है तो अभी मेहनत कर लो, ठीक। तो ये जो सेशन होता है हमारा दोपहर में 12 बजे, ये हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं CGL, CHSL, MTS, CPO एग्ज़ाम की, इन चारों में से किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, बिना किसके सिलेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होगा। और इंग्लिश में वो कैब का वेटेज ज़्यादा हो गया, मैं बार बार बताता हूँ, वो कैब पढ़ने लग जाओ, ठीक। तो चलिए सारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। करें शुरुआत, फिर जल्दी बताओ, करें शुरुआत, कर दे शुरुआत, जल्दी बताओ भाई। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये डेली चलता है दोपहर में 12 बजे, आधे घंटे का सेशन रहता है, आधे घंटे में 60 से 70 वो कैब सीख के जाते हैं। आज 22वां क्लास है, ठीक, यानी कि इससे पहले 21 क्लासेज हो चुके हैं। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, CGL, CHSL, CPO के लिए संकल्प बैच 2.0 चल रहा है, जिसका ऑफर प्राइस है मात्र 500 रुपये में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। जुड़ जाइए SSC मेकर की ऐप पे जाके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, मैन ऑफ लेटर्स EDM का मतलब क्या होता है। चलिए अब आंसर स्टार्ट करो, मैन ऑफ लेटर्स EDM का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स, जल्दी बताओ भाई। आग लगा देंगे गुरुजी भाई, ये आग लगा दो भाई, मैं चाह रहा हूँ ये आग लगा दो आप एक दिन। अब जल्दी से बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा, मैन ऑफ लेटर्स, एक मैन है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ भाई, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा। चलिए बताइए, लेटर्स क्या होता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। अब एक इंसान को अच्छे लेटर्स का ज्ञान है, यानी कि उसकी नॉलेज अच्छी है, अगर नॉलेज अच्छी है तो उसको विद्वान बोला जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि डांसर नहीं बोला जाता, ठीक, सिंगर एक्टर नहीं भैया, स्कॉलर बोला जाता है, यानी कि विद्वान बोला जाता है, यानी कि स्कॉलर बोला जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जंप द गन का मतलब क्या होगा, जंप द गन, एकदम से गन पे कूद पड़ा, क्या मतलब है इसका, जंप द गन का, जंप द गन का मतलब क्या है, एकदम से गन पे वो कूद पड़ा, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट समथिंग टू सून और हेस्टली, एकदम से जल्दबाजी में कोई काम करना, या वॉच अ पर्सन केयरफुली, ध्यान से देखना, या देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू डू समथिंग,
या इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर जी गर्मी पड़ रही है, किसी के घर में आग लगा दें क्या? नहीं भाई, जल्दी बताओ अब फटाफट से क्या होगा। चलिए आने दो, आंसर आने दो भाई। जंप द गन का मतलब क्या होगा? सबका आंसर सही आ रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? स्टार्ट डूइंग समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टीली, यानी कि इसका मतलब जल्दबाजी में कोई काम करना। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करो तो ही इज नॉन फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली, वो जाना जाता है फ्रेंकली बातें करने के लिए। फ्रेंकली का मतलब होता है जो बात है वो सीधा बात बोलना, कुछ नहीं छुपाना, कोई घबराहट नहीं मन में, कुछ नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं बता दो भाई, उसको आप लोग क्या बोलते हो? ये बात तो ये पूछ रहा, उसको आप लोग क्या बोलते हो जल्दी बताओ भाई, उसको आप लोग क्या बोलते हो? फटाफट से बता दो, उसको आप लोग क्या बोलते हो बताओ? लूज वंस मार्बल्स बोलोगे, गो टू एक्स्ट्रा माइल बोलोगे, या फिर स्नग एज अ बग इन ए रग बोलोगे, या कॉल अ स्पेड बोलोगे? जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ उसको आप लोग क्या बोलोगे, फटाफट से बता दो उसको आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी बताओ भाई उसको आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी से बता दो। अब देखो भाई, कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब होता है कुदाल है तो कुदाल को कुदाल कहना, इसका मतलब जो चीज है ना उसको वही चीज बोलना, जो चीज है उसको वही चीज बोलना मेरे भाई, ये होगा डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। लूज वंस मार्बल का मतलब कोई बता सकता है क्या? लूज वंस मार्बल का मतलब होता है पगला जाना, यानी कि गो इनसेन, यानी कि पागल हो जाना, पगला जाना, गो इनसेन इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करना, गो टू द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा काम करना, ठीक, एक्स्ट्रा काम करना, ठीक है भाई। उसके बाद स्नग एज अ बग इन अ रग, स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल पोजीशन में होना, किसमें होना प्यारे बच्चों? कंफर्टेबल पोजीशन में होना, कंफर्टेबल पोजीशन में होना, बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा डी आएगा, डी आएगा, ठीक। हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा, डी होगा, ठीक। पगला जाना और मैं क्या बोलूंगा, गोइनसेन का मतलब तो ये था, पागल हो जाना भाई, पगला जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फोर, अपसेट द एप्पल कार्ट, जल्दी से बताओ भाई। नहीं भाई गुलशन सर नहीं आए थे, जल्दी बताइए अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ शाबाश, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होगा? अब देखो एप्पल कार्ट थी, कार्ट का मतलब टोकरी लगा लो भाई, उसके अंदर एप्पल थे, आपने उसको अपसेट कर दिया, इसका मतलब क्या है? आपने भैया वो कहीं जा रहा था, अब क्या कर दिया आपने उसके साथ में, बताओ बताओ उसको क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया, निकाल लिए क्या? या कंसीडर अनसेटिस्फैक्ट्री, या टू बी ऑफेंडेड, या स्पॉइल केयरफुल प्लान, किसी के प्लान स्पॉइल कर देना, बताओ। बेचारा सेब ले जाता कहीं पे खाता, हाँ गुरुजी मैं और मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक। हाँ इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब होगा किसी के प्लान्स को स्पॉइल कर देना, किसी के प्लान्स को स्पॉइल कर देना, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? बी, बेचारा जाता एप्पल लेके जा रहा था, घर पे जाके खाता अपना, है ना। आगे बढ़ जाऊं, फिर आगे बढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर फाइव आएगा। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होता है? पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होगा? फटाफट से बता दो क्वेश्चन नंबर फाइव। अब पहले आप लोग बताओ पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होगा? अब आप लोग मान लो भाई, हमारे घरों में पता है क्या बोला जाता था? हाँ आज अप्रैल फुल डे है भाई, बना दो अप्रैल फुल आपको। चलिए मैं आपको अप्रैल फुल बना दे रहा हूं, कि क्या बनाऊं अप्रैल फुल में आपको, कुछ भी झूठ बोल दूं, कुछ लंबा चौड़ा सा झूठ बोल दूं, बिना बताए झूठ बोलता तो आपको विश्वास हो जाता है ना, विश्वास हो जाता ना। छोड़ो, पॉकेट एंड इंसल्ट प्यारे बच्चों क्या होता है ना, कि जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा है, जब हम छोटे थे ना तो ऐसे बोलते थे कि भाई
कहीं पे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, कहीं पे कुछ हो भी जाता है तो अपना चुपचाप आ जाना, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ऐसे कहते थे। ठीक, ऐसे कहते थे, ऐसे कह देते थे। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये होता था कि भाई इंसल्ट हो गई तो उसको पॉकेट में डालो और आ जाओ, इंसल्ट हो गई तो पॉकेट में डालो और उसको आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसल्ट करना नहीं प्यारे बच्चों, करना नहीं है, आपकी हुई उसको पॉकेट में डालो आ जाओ। ठीक है, उसके बाद में एंड्योर इंसल्ट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, एंड्योर करना सहन कर लेना किसको, इंसल्ट को, और प्रोटेस्ट को सहन कर लेना। ठीक है, टॉलरेट इंसल्ट, इंसल्ट को टॉलरेट करना विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के, प्यारे बच्चों बिना प्रोटेस्ट के टॉलरेट कर लेना इंसल्ट को, इंसल्ट को सह लिया। ठीक, हाँ, मैं प्यारे बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर से हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हूं। ठीक, दिल्ली मुखर्जी नगर से हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों ही बातों में प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन 5 कर लिए। ध्यान देना, इस सेशन को आप है ना 4 पार्ट में बांट लो। ठीक, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बोलो आप ए पार्ट, इसको बोलो आप लोग बी पार्ट, इसको बोलो आप लोग सी पार्ट, और इसको बोलो आप लोग डी पार्ट। ऐसे करके बांटोगे ना प्यारे बच्चों, तब पढ़ने में मजा आएगा, छोटे छोटे गोल बनाया करो। अब ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम सबको पता है सर ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बी पार्ट पे, फिर सी पार्ट पे, फिर डी पार्ट पे, पता ही नहीं लगेगा यार कब सेशन कंप्लीट हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पता ही नहीं लगेगा भाई। चलिए, आप कभी बोर हो ही नहीं सकते मेरे पढ़ाने से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग्स। प्यारे बच्चों उन कुछ वर्ड होते हैं वो हाई साउंडिंग लगेंगे, बड़ा चढ़ा, और उनके मीनिंग ना के बराबर होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, इलोक्वेंट बोलेंगे, क्लेवर बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे, या फिर क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, उसको क्या बोलेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ जल्दी से बताओ उसको आप लोग क्या बोलोगे, फटाफट से बताओ। दिल्ली में गांव होता है भाई, कई जगह गांव होंगे, लेकिन मैं दिल्ली में गांव में नहीं रहता, मैं दिल्ली प्योर दिल्ली में रहता हूँ, मेन शहर में रहता हूँ प्यारे बच्चे। हाँ, बॉम 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 बास्टिक, ऐसे करके गाना है ना, बॉम 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 बास्टिक, आगे नहीं आता भाई मेरे को क्या है वो, ऐसे करके है ना गाना, बॉम 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 बास्टिक। तो बॉम्बास्टिक का मतलब हाई साउंडिंग वर्ड, लेकिन मीनिंग उसका कुछ भी नहीं भाई, मीनिंग उसका कुछ भी नहीं। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। इलोक्वेंट होता है अच्छा वक्ता, अच्छा वक्ता, जो अच्छा बोलता हो, अच्छा बोलना जानता हो, उसको इलोक्वेंट बोला जाता है। क्लेवर का मतलब तो चालाक होता है, रिजर्व का मतलब होता है शाही शर्माना, है ना, जो शर्माता है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलता है। ठीक ठीक चले चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी वेयर पीपल लिव इन परफेक्ट कंडीशंस। एक ऐसी सोसाइटी, वो इमेजिनरी है मेरे भाई, वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी सोसाइटी है, लेकिन वहां पे क्या है ना, सब लोग मस्त रहते हैं, बिल्कुल मस्त जिंदगी, विलासिता जीवन है, उसको क्या कहोगे, उस सोसाइटी को क्या कहोगे आप, आइडियल बोलोगे, मायोपिया बोलोगे, कंट्री साइड बोलोगे, कि उटोपिया बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे उसको आप लोग, उसको आप लोग क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे उसको आप लोग। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों देखो, आइडियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी बोल सकते हो, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, मायोपिया में दृष्टि दोष हो गया, काटा मारो भैया, कंट्री साइड हो रहा है रूरल एरिया, रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना उसको कंट्री साइड बोला जाता है। ठीक है, यूटोपिया इज द करेक्ट आंसर, यूटोपिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यूटोपिया, वो कहती है कि उठो पिया मुझे ऐसी जगह पे ले चलो कि, अब जैसे वाइफ बोली अपने हस्बैंड से कि उठो पिया मुझे ऐसी जगह पे ले चलो जब कुछ सारी चीज़ें बढ़िया हो, मज़े हो भाई, मज़े हो। और पिया उसको लेके गया भैंसों के अस्तबल में, लेके गया कि देखो यहाँ मज़े हैं, बस सुबह से हम गोबर उठाना है, चारा डालना है, और कुछ नहीं करना, यहाँ मस्त जिंदगी है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है, माइंड एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है बताओ, क्या बोलेंगे उसको, फिलोसफी बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे, या साइकोलॉजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ उसको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ।
क्या बोलेंगे उसको जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, क्या बोलेंगे उसको? फिलोसफी? नहीं भाई, फिलोसफी नहीं बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम है ना, जो आपका गड़बड़ा जाता है ना नर्वस सिस्टम, मैं तो नर्वस हो गया हूँ, वो सिस्टम, अगर उसकी स्टडी। न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एन एंशियंट साइट। कोई एंशियंट साइट है, प्राचीन साइट है प्यारे बच्चों, उसमें टूटे हुए पार्ट्स पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट के, उसको क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स, डिस्ट्रक्शन, रुइंस या फिर रिपेयर्स, क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई, उसको क्या बोलेंगे? फटाफट से बताओ उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ उसको आप लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको आप लोग क्या बोलोगे, फटाफट से बता दो। ध्यान देना प्यारे बच्चों एक बात का, कि अच्छा आपको एक सीरियस बात बताऊं, बताओ आपको एक सीरियस बात बताऊं, बताओ सुनना चाहते हो एक सीरियस बात, बहुत सीरियस बात सुनना चाहते हो, सीरियस बात सुनना चाहते हो बताओ, अगर आपको जानना है तो मैं बताऊंगा, फिर नहीं तो नहीं बताऊंगा, पहले तो बताओ सीरियस बात सुनना है। देखो भैया, डिफेक्ट्स नहीं बोलेंगे, डिफेक्ट का मतलब कमी होती है, डिस्ट्रक्शन नहीं भैया, रिपेयर नहीं भैया, रुइंस इज द करेक्ट आंसर। सी आएगा, सी आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक, हाँ सी आएगा, बोल दूं तो एक सीरियस बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस बात का गौर जरूर करना है कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, और जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग एन और एन ऑफेंस। किसी ने कोई गलत काम कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया? माफ कर दिया, उसको क्या कहेंगे? अप्रैल फुल बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, बताओ कन्विक्ट बोलेंगे उसको? कन्विक्ट बोलेंगे, कंडेम बोलेंगे, कंडोल बोलेंगे या कॉन्डोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ उसको क्या बोलेंगे? उल्लू बना दिया ना भाई, ऐसे वो करते थे बच्चे, बोलते थे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ऐसे करते थे बच्चे, उल्लू बनाया। क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चों, बताओ उसको क्या बोले? कन्विक्ट नहीं, दोषी होता है। कंडेम का मतलब निंदा करना, कंडोल का मतलब सांत्वना देना, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा, डी होगा, डी होगा। साउंड प्रॉब्लम कहां आ रही है भाई? साउंड की तो ओके रिपोर्ट होगी, साउंड की तो रिपोर्ट ओके है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है यार, क्यों मजाक कर रहे हो आप? अप्रैल फुल तो नहीं बना रहे मेरा? ये यार अब ये भी नहीं पता अप्रैल फुल बना रहे हो कि सच में वो कर रहे हो भाई, आवाज तो आ रही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, पता चले अप्रैल फुल बना रहे हो आप। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज, अप्रैल फुल बनाया जा रहा है मुझे, मुझे अप्रैल फुल बनाया जा रहा है। अच्छा बड़े तेज बन रहे हो, हाँ ठीक। अरे यार मैं भी शिकार हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, ध्यान देना 10 क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, एसएससी मेकर पे ऐप पे कुछ कोर्सेज चल रही है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए टारगेट बैच 299, आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर बैच मात्र 200 रुपए, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए संकल्प बैच 2.0 मात्र 500, और आरआरबी एलपी टेक्निशियन के लिए मात्र 350 रुपए में पायलट बैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक। ये आपका सही था अप्रैल फुल बनाना, है ना? एकदम बोल दो सर, आवाज नहीं आ रही है।
अरे यार, सिनोनिम का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सिमिलर मीनिंग बताना, सिमिलर मीनिंग ठीक। डेसिफर का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, डेसिफर का मतलब क्या होता है, डेसिफर का मतलब क्या होता है, डेसिफर का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। पीछे वाले का आंसर गलत टिक हो गया क्या? सही तो टिक हुआ भाई। चलो डेसिफर का मतलब बताओ, क्वेश्चन नंबर 11, डेसिफर का मतलब बताओ जल्दी से। इंटरप्रेट होगा, कैलकुलेट होगा, क्रिएट होगा, इंटरोगेट होगा। इंटरप्रेट का मतलब किसी चीज को समझना, समझाना ठीक। अब जल्दी से बताओ क्या होगा, डेसिफर का मतलब इंटरप्रेट करना इज द करेक्ट आंसर। ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। स्टार्टल का सिनोनिम बता दो। तो स्टार्टल देखो कितना आसान वर्ड है, स्टार्टल का सिनोनिम आप लोग बताएंगे। स्टार्टल का सिनोनिम कितना आसान वर्ड है, स्टार्टल। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से भाई, फटाफट से बताओ। स्टार्टल का मतलब क्या होता है, स्कार्स होता है, ह्यूमिलिएट होता है, स्कार्स होता है, ह्यूमिलिएट होता है, सरप्राइज होता है कि शेम होता है। स्टार्टल का मतलब प्यारे बच्चों सरप्राइज होता है, सरप्राइज ठीक है। स्कार्स का मतलब होता है मीगर, मीगर बोले तो कमी किसी चीज की, स्केंटी बोल सकते हो आप, स्केंटी बोले तो, स्केंटी का मतलब भी क्या होता है, कमी। ये वाई का क्या बन गया भाई, स्केंटी भी बोल सकते हो ठीक, स्केंटी भी बोल सकते हो, स्केंटी भी बोल सकते हो ठीक है ना। चलिए ध्यान देना ये बात। उसके बाद शेम का आपको पता ही है, ह्यूमिलेट का मतलब किसी को इरिटेट करना, एम्बेरेस करना ठीक है ना। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, और सी लगाएंगे निशान और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओवरट्योर का मतलब क्या होता है, ओवरट्योर का मतलब जल्दी से बताओ, ओवरट्योर का मतलब क्या होगा, स्लेंडर होगा या फिर कंक्लूजन होगा, प्रियम्बल होगा कि प्लंक होगा, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, ओवरट्योर का मतलब क्या होगा, स्लेंडर होगा, कंक्लूजन होगा, प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना, आपने पढ़ी होगी। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, एन इंट्रो, एन इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन होता है, तो यहां पे प्रियम्बल का मतलब इंट्रो है, किसी भी बुक का, किसी भी चीज का इंट्रो, उसको प्रियम्बल बोला गया यहां पे ठीक है। स्लेंडर का मतलब होता है बदनामी, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, बदनामी, बदनामी ठीक। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट ठीक है भैया, रिजल्ट। और प्लंक का मतलब होता है खनखनाहट, 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 खनखनाहट पे कोई गाना याद आ रहा मुझे, वो है ना, पालकी में होके सवार चली रे बाजे मेरी, पता नहीं वो ऐसे करके कुछ है, अच्छे से याद नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर सी होगा, ध्यान देना, ओवरट्योर का मतलब सी होता, सी होता, सी होता ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ठीक है। चलिए हाँ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिबल का मतलब बताओ, क्रेडिबल का मतलब बताएंगे सारे बच्चे, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, क्रेडिबल का मतलब ऐसे करके ना, वो पालकी में होके सवार चली रे है ना, मैं तो अपने जोगी के साथ चली रे, फिर आगे पता नहीं वो कैसे है कि खन खन, खन क्या खन खन। चलिए जल्दी बताओ, डिटैचेबल, डिटैच, डिटैच का मतलब जुदाई, किसी चीज को अलग किया जाए, यानी कि सेपरेबल, जिसको आप अलग कर सकते हो, जिसको आप अलग कर सकते हो ठीक है भैया। कमेंडेबल मतलब प्रेजवर्दी, जिसकी आप तारीफ कर सकते हो, जिसकी आप तारीफ कर सकते हो ठीक है भैया। उसके बाद डाइजेस्टेबल, जिसको डाइजेस्ट कर सकते हो, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा, डी होगा,
डी होगा इसका राइट आंसर, तो क्या होगा डी होगा बिल्कुल भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, रिकन्यूटर का मतलब क्या होता है? रिकन्यूटर ग्लैंस होगा, डिस्क्लेम होगा, इंस्पेक्ट होगा, ओवरलुक होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। फटाफट से बता दो एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, शाबाश। ठीक, हाँ इंस्पेक्ट होता है, क्या होता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन बिल्कुल भाई, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हाँ, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ग्लैंस का मतलब एक लुक देना, बस एक लुक देना, डिस्क्लेम क्लेम करना कि क्लेम ना करना कि ये मेरा चीज नहीं है, ओवर लुक का मतलब इग्नोर कर देना, इंस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना प्यारे बच्चों। अब जो है आखिरी के पांच क्वेश्चन रह गए, आखिरी के पांच क्वेश्चन बोले तो एंटोनिम है पांचों के पांच, वो भी आप लोग करोगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े अब आखिरी के पांच क्वेश्चन की तरफ, चलिए इनको भी उड़ा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरिएंस का उल्टा बताओ, वेरिएंस का उल्टा, वेरिएंस का ऑपोजिट मीनिंग अब आप लोग बताएंगे और पांच के पांच क्वेश्चन आप लोग जवाब देंगे, जल्दी से बताओ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ भाई। जल्दी बताओ, इंस्पेक्शन मींस क्या, इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, ठीक। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कन्वेंशन नहीं होगा, कन्वेंशन मतलब जो ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशन आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल, ठीक है। इक्वल बराबर नहीं भैया, देखो वेरिएंस का मतलब जो विविधता हो, और हार्मनी का मतलब जो अच्छे से सारी चीजें सिस्टम से बैठी हो, इंटेलेक्चुअल मतलब एबिलिटी टू थिंक, इंटेलेक्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेंचेंट का उल्टा बता दो, ये तो बिल्कुल आसान है, पेंचेंट का उल्टा, जल्दी से बताओ पेंचेंट का उल्टा, फटाफट से बताओ पेंचेंट का उल्टा, पेंचेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका उल्टा आप सभी को बताना, पेंचेंट का उल्टा, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ पेंचेंट का उल्टा, पेंचेंट का मतलब होती है लगन, लगन कुछ काम करने की, एंथुजियास्टिक है ना, जोश होता कुछ काम करने का, अब इसका उल्टा बताना है, अब इसका उल्टा आप लोगों को बताना है, एंजाइटी होगी क्या, एंजाइटी होगी, नहीं भाई चिंता नहीं होगा, नफरत होगी, एक वो चीज जिसके लिए आपके अंदर प्यार है, लगन है, एक होगी नफरत होना, उस चीज से नफरत होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंटीमेट का आप लोग ऑपोजिट मीनिंग बता दो, इंटीमेट का जल्दी बताओ, इंटीमेट का ऑपोजिट, इंटीमेट का ऑपोजिट बता दो, इंटीमेट का ऑपोजिट जल्दी से बताओ, इंटीमेट का ऑपोजिट, इंटीमेट का ऑपोजिट बताएंगे सारे बच्चे, इंटीमेट का ऑपोजिट, इंटीमेट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा शायद, इंटीमेट का मतलब क्लोज फ्रेंड्स, इंटीमेट का मतलब क्लोज, इंटीमेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोज होता है, क्लोज होता है, ठीक, क्लोज होता है, क्या होता है क्लोज। अब उसका उल्टा आप लोग बताएंगे, उल्टा क्या होगा, अनफ्रेंडली अफेक्शनेट होगा, इंटीमेट फ्रेंडली भी आप बोल सकते हो, दोस्ताना, अफेक्शनेट होता है किसी के प्रति लगाव, अफेक्शनेट, टाइमली पैशनेट नहीं भैया, इसका उल्टा चाहिए अनफ्रेंडली, उल्टा चाहिए था तो अनफ्रेंडली आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी के दो क्वेश्चन भी उड़ा देंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, शुडो का उल्टा बता दो, शुडो का उल्टा, क्वेश्चन नंबर 19 शुडो का उल्टा बताओ जल्दी से, शुडो का उल्टा फटाफट से बता दो भाई, चलो
अब जल्दी से मेरे को शूडो का उल्टा बताओ, शूडो का उल्टा क्या होता है? शूडो का मतलब झूठा होता है भाई, शूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, यानी कि फॉल्स होता है, फॉल्स मतलब झूठा। क्या होता है प्यारे बच्चों? झूठा होता है, झूठा होता, फॉल्स मतलब झूठा। ठीक, अब इसका उल्टा बताओ। इसका उल्टा जेन्युइन होगा, इसका उल्टा क्या होगा? जेन्युइन, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस पे भी चलते हैं। एब का उल्टा बता दो, एब का उल्टा, एब का उल्टा बता दो सारे बच्चे, एब का उल्टा। चलिए ये मैं होमवर्क दे दे रहा हूं आपको, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को करेंगे। ठीक, तो ये 20 नंबर छोड़ के 19 में से मेरे को एक बार स्कोर बता दो फटाफट से, अपना स्कोर बताओ सारे बच्चे, अपना स्कोर बता दो जल्दी से, कितना आपका, क्या स्कोर आप फटाफट से बता दो, और सारे बच्चे मिलके एक बार सेशन को लाइक कर दो, सारे बच्चे मिलके फटाफट से लाइक कर दो भाई, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है लाइक ठोक दो सारे बच्चे, सारे बच्चे लाइक ठोक दो। ठीक, हाँ, और डेली जुड़ा करो प्यारे बच्चे, ध्यान देना, अपने दो सेशन होते हैं, एक तो सुबह में 9 बजे होता है, सुबह 9 बजे ये अपना चलता है प्यारे बच्चों, किसका? सुबह 9 बजे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलता है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलता है, मिक्स क्वेश्चन का। ठीक, उसके बाद में दोपहर में जो 12 बजे चलता है ना, दोपहर में 12 बजे ये वोकैब का चलता है आधे घंटे का। तो दोनों ही सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों की सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं प्यारे बच्चों, और ध्यान देना जो भी बच्चे CGL CHSL CPO की तैयारी करें, संकल्प बैच 2.0 चल रहा है, मात्र 500 रुपये ये बैच मिल रहा है, मात्र 500 रुपये में, और ये बैच आपका लाइव है, 4 मार्च से लाइव चल रहा है प्यारे बच्चों, पिछले 4 मार्च से, यानी कि अब अप्रैल 1 महीना इसको होने वाला है, तो ज़्यादा चैप्टर अभी नहीं हुए, नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ भाई, नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, SSC मेकर की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक, इसके अलावा भी बैच चल रहे हैं, जैसे RPF कॉन्स्टेबल SI के लिए टारगेट बैच मात्र 299 रुपये, आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर बैच मात्र 200 रुपये, और मेरे भाई RRBLP टेक्नीशियन वालों के लिए पायलट बैच मात्र 350 रुपये में। सारे के सारे कोर्स आपको SSC मेकर ऐप पे मिलेंगे, वहां से जाके जुड़ सकते हो। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एक दिन मैथ्स एक दिन इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, तो रोज रात को 8 बजे इनके साथ में जुड़ा करो SSC मेकर के यूट्यूब चैनल पे। ये लिंक है प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन का लिंक है, इसको डाउनलोड कर लो सभी बच्चे, कोर्सेज वगैरह PDF वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लो, ये आपके अपने परिवार SSC मेकर यूट्यूब का लिंक है, इसको सब जगह फैला देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए फिर, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ भी रहा होगा, और सारी चीजें आपकी इंप्रूव भी हो रही होगी, इंग्लिश इंप्रूव हो रही होगी। ठीक, ऐसे ही प्यारे बच्चों मेहनत करके पढ़ते जाओ, मन लगा के पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत हो डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते जाना, कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम प्यारे बच्चों।